मिशन शक्ति के अंतर्गत मैनपुरी कोतवाली में महिला डेस्क का उद्घाटन। मैनपुरी शासन के निर्देशानुसार समस्त जनपदों में मिशन शक्ति महिला हेल्प डेस्क का प्रत्येक थानों में उद्घाटन किया गया। इसी कड़ी में मैनपुरी कोतवाली में भी मिशन शक्ति का महिला थाने का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि शासन की तरफ से प्रत्येक थाने के लिए 1-1 लाख रुपया दिया गया था। मैनपुरी में 14 थाने हैं। 2:14 पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मैनपुरी SP ने बताया कि जिसके महिला अपराधों में कमी आएगी और महिलाओं की शिकायत को ध्यानपूर्वक सुना जाएगा, निष्पक्ष जांच की जाएगी और उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। प्राइमेटी न्यूज के लिए मुनीश मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, जो 6 महीने का हमारा मिशन शक्ति अभियान शासन की तरफ से चलाया जा रहा है, उसी क्रम में सभी थानों को 1-1 लाख रुपए की राशि शासन की तरफ से प्राप्त हुई थी महिला हेल्प डेस्क के स्थापना एवं संचालन के लिए। उसी क्रम में आज सभी 14 थानों पर 14:15 पर, यानी 2:15 दोपहर पर, बालिकाओं द्वारा या अन्य कोई ऐसी महिलाएं जो बच्चों को बचाने के लिए या महिला संबंधी कार्यों में या मेधावी हैं, उनको लेकर इसके उद्घाटन की शुरुआत की गई है। इसमें कंप्यूटर, टेबल, अलमारी, कैमरा, मोबाइल, सभी चीज़ों की व्यवस्था कराई गई है। महिला जो सिपाही हैं और महिला उपनिरीक्षक हैं, उनकी 24 घंटे के लिए तैनाती की जा रही है। थाने में जो उपलब्ध फोर्स है उसके हिसाब से इन पर अन्य काम भी पड़ेंगे, तो इसलिए इनका काम भी ज़्यादा हो जाएगा। परंतु हमारा प्रयास ये रहेगा कि कोई भी महिला संबंधी शिकायत जो आती है उसको सुना जाए, धैर्य से उसकी सच्चाई क्या है उसका पता लगाया जाए, जिससे कि जो भी महिला संबंधी अपराध हैं उनमें कमी आए। एक बड़ी सकारात्मक शुरुआत है। जनपद के सभी 14 थानों में इसकी शुरुआत की जा रही है और आशा ये की जाएगी कि इसका सुचारू संचालन आगे चलता रहे, जिससे कि महिला संबंधी अपराधों में कमी आए। सर, इसका संचालन की प्रक्रिया किस तरीके से है, किस तरीके से सहायता की जा सकती है? जो भी कोई शिकायत करने वाली महिला हैं वो आ सकती हैं यहाँ पर। उनके लिए विशेष रूप से ये अलग कक्ष बनाया गया है, उनकी शिकायत को यहाँ पर सुना जाएगा और जो भी तत्समय जो